हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है वो एक कपूत है इस समय। कहा ना भाई पैसा बहुत है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है, कोई हिसाब किताब देना नहीं कि किसके पास से आ रहा है, लगा दे जगह जगह थैंक यू मोदी जी लिख दे। एक तो गलत काम करेंगे और आह भी नहीं करने देंगे, जो आह करेगा उसको भी बोलेंगे कि अब उसको भी पीटेंगे, बस तुम चुपचाप भुगतो। अगर भारत माता है तो एक भारत माता को एक कपूत मिल गया है प्रधानमंत्री के। तो दिन पहले SSC GD के अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन किया तो हमारे साथियों को डिटेन कर लिया गया, सार्वजनिक स्थल है। लेकिन हम जब आ गए तो वो इतना घबरा गए बेचारे, उनको कहने लगे कि आपको परमिशन ही नहीं है। भाई इसके लिए परमिशन क्या चाहिए ना? केक है, काट रहे हैं, वो केक से डर गए बेचारे, परेशान थे केक पे हाथ रख रख के कि इसको मत दिखाओ इसको मत दिखाओ। तो वो पता नहीं उनको केक जो है उनको कितना, उनको केक खतरनाक लग रहा था क्योंकि उस केक पे जुमला लिखा हुआ था राज पार्टी का। तो असल में तो देखिए भ्रष्टाचार की जननी एक ही है और वो सत्ता में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री से हमारा देश आज खतरे में है। इसको अगर बचाना है हम लोगों को तो प्रधानमंत्री से देश को बचाने की ज़रूरत है। जुमलों से है, मोदी जी की मोहब्बत जो है वो जुमलों से है, तो मोदी जी का जन्मदिवस जुमला दिवस के तौर पर मनेगा। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस दिल्ली में मौजूद हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है 17 सितंबर मोदी जी का बर्थडे, और युवाओं ने चाहे वो ट्विटर पर हो चाहे वो ज़मीन पर हो, युवाओं ने फुलजोर तरीके से पुरजोर तरीके से बेरोजगारी दिवस के तौर पर इसको मनाया है। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के अनुपम जी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा हल्ला बोल के, वो मौजूद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद। और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी कि प्रदर्शन करने की यहाँ दिल्ली में कनॉट? देखिए क्या है कि इस वक्त हमारे देश में बेरोज़गारी सबसे गंभीर संकट है, उसके पर्याप्त आंकड़े हैं इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। और आंकड़े ही नहीं, ह्यूमन स्टोरीज है अब तो, कि देश भर में बेरोज़गारी कितनी पीड़ादायक, एक मायने में राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे, केंद्र की सत्ता में, तो कई वादे करके आए थे, खासकर के युवाओं के लिए 2 करोड़ रोज़गार देंगे, जो जॉबलेस ग्रोथ था UPA गवर्नमेंट के दौरान उसको वो पलट देंगे और ग्रोथ काफ़ी आगे लेके जाएंगे, $5 trillion की इकोनॉमी बना देंगे, विदेशों से काला धन वापस ले आएंगे, देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे से बचपन का नाता है, कभी निजीकरण नहीं होने दूंगा, संसद को साफ कर दूंगा, 100 दिनों के अंदर कोई अपराधी नहीं रहेगा संसद में, गंगा की सफाई कर दूंगा, महिलाओं को सुरक्षित कर दूंगा, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, मतलब कमी ही नहीं है। आपने पेट्रोल लिस्ट गिनाई? हाँ नहीं, गिनाना ज़रूरी है क्योंकि यही कॉन्टेक्स्ट है हमारे इस प्रदर्शन का। क्यों हम जुमला दिवस मना रहे हैं? वो इसलिए मना रहे हैं कि ऐसे जितने वादे थे और जो लिस्ट में कुछ रह गए, पेट्रोल डीजल की कीमत हम सस्ती कर देंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लोगों की, आम लोगों की जेब में पैसा बचने लग जाएगा, ये सारे उनके वादे थे और इन वादों पे सब पे वो फेल हुए हैं। और उनकी ही अपनी भाषा के हिसाब से ये सब जुमला साबित हुए। जुमला का आविष्कार हमने नहीं किया था, बाकी भारतीय तो जुमले शब्द का इस्तेमाल किसी और परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में करते थे। पहली बार अमित शाह ने बताया कि अरे वो जो था वो तो जुमला था, तो फिर अब हमको समझ में आया है कि जो कुछ भी वादा करते हैं वो जुमला होता है। तो जो प्रधानमंत्री अपने पिछले 7 साल में लगभग सभी वादों को जुमला साबित कर दे, उनके जन्मदिवस को तो जुमला दिवस के तौर पर मनाना ही पड़ेगा। और इसमें देखिए, इसमें कोई व्यक्तिगत उनके प्रति कोई दुराग्रह नहीं है हमारे मन में, व्यक्तिगत तौर पे तो हम लोग भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं, हम भी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं कि थोड़ी सद्बुद्धि आए, थोड़ी संवेदनशीलता आए आम लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, उनके दर्द उनकी पीड़ा के प्रति थोड़ी सी उनके अंदर सेंसिटिविटी आए, ये हम कामना करते हैं उनके जन्मदिवस पर। लेकिन क्योंकि वो एक सार्वजनिक जीवन में है, वो एक राजनेता है, तो देखिए इतिहास में भी कई राजनेताओं का जो जन्मदिवस है, जयंती है, वो किसी न किसी रूप से मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जो जन्मदिन है, जो उनकी जो जयंती है, वो किसान दिवस के तौर पर मनाते हैं क्योंकि उनको किसानों से प्रेम था, किसानों से जुड़ाव था उनका। पंडित नेहरू का बाल दिवस के तौर पर मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं, मोदी जी का जुड़ाव जुमलों से है, मोदी जी की मोहब्बत जो है वो जुमलों से है, तो मोदी जी का जन्मदिवस जुमला दिवस के तौर पर मनेगा। आज के दिन कुछ भी मोदी जी ने अच्छा नहीं किया है, अब जैसे कि यूनिवर्सिटी भी बना दी है उत्तर प्रदेश में, शिलान्यास किया है। अच्छा ये अभी जो बनाया है ना, तो शिलान्यास तो बहुत चीज़ों को किया है और बहुत कुछ, बहुत सारा उद्घाटन उन्होंने किया है जो शिलान्यास मनमोहन सिंह ने किया था। इस डिबेट में तो पढ़ना नहीं हमें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जो हालत है, हम तो पढ़ाई कमाई दवाई की बात करने वाले लोग हैं और हमको पता है कि शिक्षा की हालत इन्होंने क्या कर दी है, विश्वविद्यालयों की हालत क्या कर दी है पूरे देश में, उस फ्रंट पे तो ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अच्छा सरकार एक बयान ये भी देती है कि SSC के जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें कोई बाहर थर्ड पार्टी लीक कर रही है, हमारी तरफ से नहीं है ये, गवर्नमेंट की एजेंसी उसमें
तो थर्ड पार्टी जापान सरकार थोड़े ना है, थर्ड पार्टी है तो भाई इसको सरकार बनाए हुए हैं हम ना, प्रधानमंत्री हैं ये ना, थर्ड पार्टी लीक कर रही है तो आप जवाबदेही से बच थोड़े ना सकते हैं। ये थोड़े ना कह सकते हैं कि भाई कोई थर्ड पार्टी आके कनॉट प्लेस पे चार लोगों को पीट गया है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। अरे पेपर लीक हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप परीक्षाओं को भर्तियों को सुचारू ढंग से समयबद्ध ढंग से कराएं, आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप फेल हो रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी नॉर्थ कोरिया का किम जोंग तो नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, थर्ड पार्टी को पकड़िए ना, क्यों कर ले रहा है थर्ड पार्टी, और क्यों थर्ड पार्टी जो भी होता है उसको क्यों सज़ा नहीं होती है। सीबीआई का जब ऐसे ये जब एसएससी का जब स्कैम हुआ था सीजीएल का, उसके बाद जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ हमारे आंदोलन के बाद, और जब दबाव में कुछ लोगों को पकड़ा गया तो उनके ऊपर चार्जशीट तक फाइल नहीं किया गया और फिर उनको 6 महीने बाद बेल मिल गया, ये नॉन सीरियसनेस। तो जब थर्ड पार्टी पकड़ में आ जाए, हम जैसे लोगों के आंदोलनों के दबाव में, कैंपेन्स के दबाव में, युवाओं के प्रेशर में, तो उसके बाद ये करते क्या है थर्ड पार्टी का। तो असल में तो देखिए भ्रष्टाचार की जननी एक ही है और वो सत्ता में बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारा देश खतरे में है, ये बात मोदी जी कहते हैं, खतरे में है देश, खतरे तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, देश भी खतरे में कहते हैं ना। देश किन लोगों से खतरे, उन लोगों से खतरे में जो कहीं नारा लगा देता है उससे देश खतरे में आ जाता है। मैं भी मानता हूँ कि देश खतरे में है, लेकिन देश खतरे में देश की सरकार से है, देश की प्रधानमंत्री से हमारा देश आज खतरे में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही हैं और वही कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं। और जो वो बिगाड़ रहे हैं, क्या क्या बिगाड़ रहे हैं, हमारे सोशल फैब्रिक को बिगाड़ रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बिगाड़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बिगाड़ रहे हैं। तो देश खतरे में है ना, 70 साल से जो कुछ अर्जित हुआ उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, देश नहीं बिकने दूंगा बोल कर आए और एक एक करके सब कुछ बेच रहे हैं, तो देश तो उनसे खतरे में है। देश को अगर बचाना है हम लोगों को तो प्रधानमंत्री से देश को बचाने की ज़रूरत है, वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए हमने जुमला दिवस की अपील की थी, इसलिए पूरे देश में आज बेरोजगारी दिवस, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के मुद्दे पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने देखा अभी कनॉट प्लेस में प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, आप लोगों के साथ क्या व्यवहार किया गया है यहाँ भी पुलिस ने? बड़ा मज़ेदार व्यवहार था। देखिए हम लोग कोई जनसभा नहीं कर रहे थे, कोई रैली नहीं कर रहे थे, हम बस एक प्रतीकात्मक ढंग से जन्मदिवस मना रहे थे, जुमला दिवस के तौर पे मना रहे थे। अब कनॉट प्लेस में ये पालिका मार्केट के सामने जो है या सेंट्रल पार्क में, ऐसे भी नॉर्मली रोज़ जो है 8-10-12 दोस्त बैठ के अपने दोस्तों का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, सार्वजनिक स्थल है। लेकिन हम जब आ गए तो वो इतना घबरा गए बेचारे, उनको कहने लगे कि आपको परमिशन ही नहीं है। भाई इसके लिए परमिशन क्या चाहिए, ना हमारे पास साउंड सिस्टम है, ना हम नारेबाजी कर रहे हैं, ना हम कोई जनसभा कर रहे हैं, किस बात का परमिशन? अब क्या देश में चलने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी किसी? आप तो सिर्फ प्रधानमंत्री का बर्थडे मनाने, बर्थडे, अरे केक है काट रहे हैं, वो केक से डर गए बेचारे, परेशान थे केक पे हाथ रख रख के कि इसको मत दिखाओ, इसको मत दिखाओ। तो वो पता नहीं उनको केक जो है उनको कितना, उनको केक खतरनाक लग रहा था क्योंकि उस केक पे जुमला लिखा हुआ था, ये खौफ था उनके अंदर, तो इसलिए कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल तानाशाही रवैया जो अक्सर अपनाया जाता है, हमने जब अभी कुछ दिन पहले एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन किया तो हमारे साथियों को डिटेन कर लिया गया, रजत है, ऋषभ है, इन लोगों को डिटेन कर लिया गया था, सैकड़ों लोगों को डिटेन करके रख लिया गया, इनके ऊपर तो मुकदमा करने की तैयारी हो रही थी। लेकिन फिर हम सब के दबाव में सभी युवाओं जब इनके समर्थन में खड़े हो गए तो मजबूरन उनको रिलीज़ करना पड़ा। तो इनका तो ये रवैया है बिल्कुल डिक्टेटोरियल कि कोई भी एक तो गलत काम करेंगे और आह भी नहीं करने देंगे, जो आह करेगा अब उसको भी बोलेंगे कि अब उसको भी पीटेंगे, बस तुम चुपचाप भुगतो, जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, हर हर मोदी करते रहो, तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने प्राइवेट किया है, उससे जो मुनाफा आएगा वो तो हम लोगों में ही देंगे, इस पर कितना? अरे प्राइवेटाइजेशन से मुनाफा आएगा, आप पहले समझिए बेसिक बात, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, है क्या? मैं बहुत छोटे उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे आपके घर में जितना भी सामान है उसको आप ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वो तो या तो लायबिलिटी होगा या एसेट होगा। कोई ऐसा सामान आपके घर के किसी कोने में रखा हुआ है जिसके बारे में आपको पता है कि अब इसका कुछ नहीं होना, इस्तेमाल हो गया लेकिन कोने में एक जगह ये रखा हुआ है, तो आप सोचेंगे निकाल देते हैं, 500,000 रुपया, 2,000 जो भी मिल जाए, वो हमारा एक तरह का मोनेटाइजेशन हो गया। लेकिन जो आपके एसेट्स हैं, आपके मान लीजिए पूर्वजों की ज़मीन है, आपके ऐसे एसेट्स जिससे और आप एसेट क्रिएशन कर सकते हैं, उनको आप बेचने थोड़े ना जाते, उनको कौन बेचता है? उनको बेचता है कपूत, जो सपूत होता है वो एसेट्स को बढ़ाता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है वो एक कपूत है इस समय, अगर भारत माता है तो एक भारत माता को एक कपूत मिल गया है प्रधानमंत्री के तौर पर। वो क्या कर रहा है कि जो कुछ भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति थी, एसेट्स थे, समझिए आप, तो जहाँ जहाँ नुकसान था, मान लीजिए कि केजी बेसिन है,
एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ घाटा हो गया तो केजी बेसिन को ONGC खरीदेगी। ONGC पब्लिक एंटरप्राइज है, सरकारी कंपनी मान सकते हैं आप। यस बैंक डूबा, SBI खरीदेगी। IDBI को LIC खरीदेगी। जहाँ जहाँ नुकसान होगा उसको कौन बचाएगा? कोई सरकारी उपक्रम, सरकारी कंपनी, मतलब उसको आप बचा रहे हैं, उसका जो आर्थिक भार है वो आपकी जेब से जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ फ़ायदा है, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बैंक, ये सब जो है मोदी जी के दो मित्र खरीदेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है देश में, प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लॉस का नेशनलाइजेशन हो रहा है, घाटे का भार आप और हम चुका रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल पे हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इसलिए हम टैक्स ज़्यादा भर रहे हैं, इसलिए हमारी जेब में कुछ नहीं बच रहा है। और जो फ़ायदा मुनाफा है वो दो लोगों की जेब में जा रहा है, और जो दो लोगों की जेब में जाता है वो घूम के इलेक्टोरल बॉन्ड में आ जाता है, और फिर उससे फिर से झूठ फैलाया जाता है दिन रात। ये तो चक्र है जिस चक्र से हम लोगों को लड़ना है। एक और सवाल करना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ विकास नहीं किया, अभी आज देखा गया कि लोगों के जीमेल पे थैंक यू मोदी जी लिख करके भेजा जा रहा है, वैक्सीन के लिए तमाम तरह के लड्डू फूलों में बांटे गए, इसके अब वो पीट पीट के बुलवाएं लोगों से कि विकास किया है, अब इसका क्या कर सकते हैं? इसका मतलब बोलेंगे कि बोलो विकास किया, नहीं तो UAPA लगा देंगे। बोल देंगे कुछ लोग कि हाँ जी विकास किया है, थैंक यू मोदी जी। अब UAPA लगवाने से अच्छा है ना कि बोल दो विकास किया है, मतलब इसका तो कोई समाधान ही नहीं है ना। अब जैसा मैंने कहा ना भाई, पैसा बहुत है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से आ रहा है, कोई हिसाब किताब देना नहीं कि किसके पास से आ रहा है, लगा दे जगह जगह थैंक यू मोदी जी लिख दे, उससे थोड़े ना विकास हो जाता है। विकास तो तब होता है ना जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो, देश में जो किसान नौजवान है उनकी स्थिति अच्छी हो, रोज़गार के अवसर हो, सबको शिक्षा मिल रही हो, सबके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, तब ना विकास हुआ। ऐसा कुछ है नहीं, थैंक यू मोदी जी के 3 करोड़ पोस्टर अगर देश में लग जाएंगे वो विकास है, और 4 करोड़ लग जाएंगे तो ज़्यादा विकास है, तो फिर ठीक है, फिर तो बहुत विकास हुआ है। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मोदी जी का बर्थडे है, BJP तो बहुत जश्न से मना रही है, आप लोगों ने भी मनाया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप बेरोजगारों को भी, देश की जनता को? देखिए मोदी जी के लिए तो एक ही संदेश है कि मोदी जी अब भी समझ जाए कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो उल जलूल इधर उधर के दाएं बाएं के मुद्दों के सहारे देश को बांटने की जिम्मेदारी नहीं थी। जिन लोगों ने उम्मीद से उनको 2014 में वोट दिया था, सत्ता में लाए थे, पिछली सरकारों से अगर मान लीजिए त्रस्त होकर ही लाए थे, उनके प्रति उनकी कुछ जवाबदेही थी। वो अंदर का, अगर उनके अंदर का इंसान जग जाए अभी भी, हम तो उम्मीद ये करनी चाहिए, लेकिन ऐसी मुझे कोई व्यक्तिगत तौर पे खास उम्मीद अब नहीं है। आज से 3-4 साल आप पूछते तो मैं कह सकता था कि हाँ उम्मीद करते हैं कुछ हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे ये उम्मीद है कि वो ट्रैक पर आ जाएंगे। तो अब तो यही तरीका है कि देश भर के नौजवान, युवा, नागरिक जितने भी हैं, वो सब एकजुट होकर इस सरकार को जवाबदेह इस कदर ठहराएं कि ये मजबूर हो जाए कुछ सार्थक काम करने के लिए। ये मजबूर होकर ही कुछ ढंग का काम कर सकते हैं, इनके अंदर का अच्छा इंसान कभी नहीं जाग सकता, वो मजबूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसलिए हम आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, वही आंदोलन कर रहे हैं। युवा हल्ला बोल पिछले 2.5 साल से 2 साल से यही काम कर रहा है। हम पढ़ाई कमाई दवाई का नारा हमने दिया, इसी कारण से हमने दिया कि इस नारे को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाया जाए, इस नारे पर बहसबाजी हो, इस नारे पर सवाल जवाब हो, और तब जाके जैसा हमने बिहार में जब हमने सक्रियता दिखाई तो देखिए बिहार के विधानसभा चुनाव में रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, परिणाम जो भी हुआ, हमारा भले वो स्ट्रेंथ नहीं था लेकिन जितनी थी उतने में हमने जो है सो रोजगार को केंद्र में ला दिया बहस के। उत्तर प्रदेश में भी हमारी ये कोशिश होगी, और आज देखिए देश भर में जो कार्यक्रम हुए जुमला दिवस के, बेरोजगारी दिवस के, उसके जरिए देखिए आप और हम आज बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं ना, वरना नहीं कर रहे होते। तो हमारी यही कोशिश है कि हम बेरोजगारी पर, ये जो हमारे जो सिर्फ निजीकरण ही नहीं, मुनाफे का निजीकरण और घाटे का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है इसके खिलाफ, और महंगाई जो एक मायने में लिंक्ड है, इसके खिलाफ हम बड़ा अभियान छोड़े एकजुट होके, और इस आंदोलन के जरिए, हम इस राष्ट्र निर्माण के आंदोलन के जरिए अपने देश को देश की सरकार से बचाएं। थैंक यू अनुपम जी। तो ये अनुपम जी थे जो कि युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगारों को अगर उनका हक चाहिए तो उनको आंदोलन की आवश्यकता है, आंदोलन करना पड़ेगा। इस तरह से दिल्ली में बेरोजगारों ने आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया एक जुमला दिवस के तौर पर। आप ये वीडियो देख रहे थे बहुजन सेंचुरी पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।